तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो ये पबजी आजकल नए नए अपडेट्स ला रहा है, तो भाई आपका फ़ोन में, मेरे को बताया कि भाई किसी आईफोन, भाई इंडिया में इतने बंदे नहीं हैं कि हर बंदे के पास आईफोन हो। नॉर्मली हर बंदे के पास अच्छा एक मिडिल क्लास रेंज वाला एंड्रॉयड फ़ोन होता है। तो भाई एंड्रॉयड फ़ोन में पबजी जैसा गेम भाई 100% श्योर होके वो लैग होता होगा। तो गाइस, इसी वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप अपने फ़ोन में पबजी मोबाइल को कैसे बहुत ही कम लैग, मतलब लैग भाई इतना नहीं होने का कि हाँ कि आप बिल्कुल ही लैग ही नहीं होने का भाई, इतना बिल्कुल स्मूथ, इतना ऐसा कुछ नहीं होने का भाई। मतलब हाँ, कुछ हद तक आपके मोबाइल में, पबजी मोबाइल में लैग कम हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई अगर आपने स्किप किया तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि पबजी मोबाइल में हम अपना लैग कैसे फिक्स करें। तो वीडियो को पूरा देखना। तो गाइस, फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, इससे आपका ये तो ऐसा होने का नहीं है कि भाई, आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा कि लोग GFX टूल बता रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। भाई GFX टूल, मैं ये बोलूँगा कि GFX टूल बिल्कुल भी मत यूज़ करना। GFX टूल आपका एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है और वो आपके पबजी मोबाइल आईडी को बैन भी करवा सकता है। तो GFX टूल आपके आईडी को बैन करा सकता है, तो भाई उसको तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना। ट्राई करना कि यही डेवलपर मोड में जाकर ये 4XMSAA इसको ऑन करके देखना। इससे आपका ये नहीं कि भाई पूरा गेम स्मूथ चलेगा, इससे ये है कि आपका गेम कुछ हद तक स्मूथ हो जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। तो अब आप सबसे पहले जाइएगा गाइस सेटिंग्स पर। सेटिंग्स पर जैसे ही आप जाएंगे, आपको जाना है अपने फ़ोन के अबाउट फ़ोन में। अब यहाँ पर मेरा वीवो का फ़ोन है, तो भाई आप वीवो वाले जितने भी यूज़र्स हैं वो आप देख सकते हैं, और बाकी भाई जितने भी दूसरे यूज़र्स, मतलब दूसरे फ़ोन वाले, मतलब जो भी जितने अलग फ़ोन है, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ मैं, आईफोन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, जितने भी अलग दूसरे फ़ोन यूज़र्स हैं वो अपने अबाउट फ़ोन में जाएं। और अबाउट फ़ोन में जाने के बाद या तो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर वर्ज़न, या फिर ब्रॉडबैंड वर्ज़न, या फिर मोबाइल वर्ज़न, मतलब जो भी वर्ज़न लिखा हो ना, जिसके भी आगे वर्ज़न लिखा हो, उस पर लगातार टैप करते रहें लगातार। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर किससे हो रहा है भाई, सॉफ्टवेयर वर्जन से हो रहा है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन से मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ लिखा आ रहा है कि आपका डेवलपर ऑप्शन पहले से ऑन है। तो गाइस, आप में से किसी का हो सकता है कि डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं हो, तो आप ऐसे क्लिक कर करके डेवलपर ऑप्शन अपना ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है। तो यहाँ मैं जैसे बैक आ जाता हूँ, मोर सेटिंग्स में वापस आ जाता हूँ, तो यहाँ मेरे को देखने को मिल रहा है कि एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन। तो यहाँ भाई, अब देखो, यहाँ मैंने डेवलपर ऑप्शन ऑन करा और यहाँ पर ओके का मांग रहा है, तो यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। अब यहाँ आप जैसे जैसे नीचे आते चले जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है हार्डवेयर एक्सेलरेशन रेंडरिंग। उसमें होगा एक फोर एक्स एम एस ए ए, उस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। अगर आप वीवो यूज़र हैं या फिर ओप्पो यूज़र हैं, फिर आप अगर डेवलपर ऑप्शन ऑन करेंगे, वीवो यूज़र्स का तो मेरे को पता है कि भाई ऊपर उनके में ऐसा निशान आ जाएगा डेवलपर मोड ऑन का। ओप्पो, बाकी मेरे को किसी मोबाइल का नहीं पता कि उनमें ऐसा आता है या नहीं आता। तो मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप इस डेवलपर ऑप्शन को, ऊपर जो रेड आ रहा है, रेड लिखा हुआ, इसको कैसे हटा सकें। तो वीडियो को पूरा देखना भाई। अब उससे क्या होगा, जैसे अब यहाँ मैं सेटिंग्स में आ चुका हूँ वापस, अब यहाँ मैं ढूंढूंगा अपने ऐप मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मेरे को ऐप मैनेजमेंट मिल चुका है। अब यहाँ पर मैंने मोर पे क्लिक करके सारी उसको, मतलब प्रोसेसेस को ऑन कर दिया। अब यहाँ मैं ढूंढूंगा वीवो सर्विसेज। अब यहाँ पहले ढूंढते हैं वीवो सर्विसेज। अब यहाँ मेरे को मिल चुकी है वीवो सर्विसेज। अब मैं इसको कर दूंगा क्लियर डाटा। अब आप देख सकते हैं ऊपर जो रेड डेवलपर मोड ऑन लिखा हुआ था, अब वो हट चुका है ऊपर से। और लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई डेवलपर मोड ऑफ हो चुका, भाई वो अभी भी ऑन है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये रहा, ऑन है अभी भी। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।